ईद में वो वोट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें खैबर पख्तूनख्वा से बिलखसूस अगर JUI 2 से 3 सीटें भी जीते मेरे लिए सरप्राइज होगा, उसकी वजह कि वहाँ पे उनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और अगर कराची में फारूक सत्तार पीछे होंगे तो ये कितना बड़ा, वो भी इसलिए कि MQM लंदन ने बॉयकॉट नहीं किया। आपको याद होगा मुस्तफा कमाल साहब ये क्लेम कर रहे थे कि ये बॉयकॉट करेंगे और पीपल्स पार्टी की साजिशें नहीं किया। अब MQM का वोटर डिवाइड हो गया, आधा वोट इधर आधा कहीं और उसका फायदा किसी और को मिल रहा है। आपने पहले नतीजे में ये बताया। बिल्कुल जी, और इस वक्त भी आप हमारी स्क्रीन पर मोहम्मद बिशारत राजा जी उनका आप देख सकते हैं NA 55 आगे हैं 512 वोट लेकर, और मलिक इब्रार कल बड़ी कंट्रोवर्सी इनकी क्रिएट हुई थी, इनकी कल एक वीडियो सामने आ गई थी कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं और सब बॉयकॉट कर रहे हैं, फिर इन्होंने कहा कि AI से एडिट की गई है। तो मेरा ख्याल है कि फायदा ही हो गया बॉयकॉट ना करने का फिलहाल, तो थोड़ा आगे है। और अभी पोलिंग स्टेशन कुछ के नतज मौसूल हुए हैं और उनके मुताबिक ये NA 261 के नतज हमारे पास मौसूल हुए हैं, जिसमें मोहम्मद अख्तर मेंगल साहब लीड कर रहे हैं, 657 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। और इनके जो मद्दे मुकाबिल हैं सरदार निसारुल्ला ज़ाहरी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, सनाउल्ला ज़ाहरी साहब, और 268 वोट हासिल किए हैं। मेंगल साहब आज काफी परेशान रहे हैं कि बहुत से हल्कों के अंदर फॉर्म 45 जाली हैं, और जान अचकज़ई ने जवाब भी दिया उसका, लेकिन फिर भी लीड मेंटेन कर रहे हैं। खुशाइन चीज है कि ऐसे इल्जाम कम लगे। बिल्कुल 2140 वोट लेकर, और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पीछे हैं, कुछ कह रही थी सरप्राइजिंग है ये, क्योंकि बिल्कुल मैं यही कह रही थी कि इससे पहले हम देख रहे थे कि ख्वाजा आसिफ लीड कर रहे थे, और अब हमने देखा है कि रेहाना डार जो है वो लीड करते हुए दिखाई दे रही है। उन्होंने 2140 वोट लिए और ख्वाजा आसिफ 2109। ये काफी इंटरेस्टिंग हल्का बन जाएगा ना, अगर इस तरह से लीड चलती रहेगी हेड टू हेड तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरफ पलड़ा भारी होगा। बिलावल साहब का मेरा ख्याल है मार्जिन काफी मेंटेन्ड है अब तक। जी अभी तक ये 1681 वोट बिलावल साहब ने हासिल किए हैं, 194 के नतीजे हैं लाड़काना से, जहां पर बिलावल साहब इस वक्त लीड कर रहे हैं, छाए हुए हैं जहां से रिजल्ट आ रहे हैं, अभी तक बिलावल लीड कर रहे हैं। और जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं राशिद महमूद सोमरो साहब हैं JUI से मेरे ख्याल में, और 431 वोट इन्होंने हासिल किया, यहाँ पर सही बात है। और ये लीड यहाँ पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध किसी को नहीं देगी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पर तो एक GDA की जो एक वाहिद ताकत है। कर रहे हैं, हमें भी शामिल करें। बिल्कुल बिल्कुल, दुआ आपने नतीजा बताया, मैं उसी हवाले से मुजम्मिल से पूछ रही थी, इंडिपेंडेंट के साथ हैं इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली कर रही है काम, मतलब पार्टी हो गई है यहाँ सबकी अलग अलग पार्टी। मैं सब उम्मीदवारों के साथ हूँ, मेरा किसी के जहाँ दुआ ने वोट दिया वो हल्का आ गया, जहाँ दुआ ने वोट दिया जी मैंने जिस हल्के में दिया वो सरप्राइज रहेगा। बल जाहिर है यहाँ पर भी आजाद उम्मीदवार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और एमन सही कह रही है कि जी हम जो भी अनाउंस कर रहे हैं अभी आजाद उम्मीदवार आगे पीछे देखें। बिल्कुल, अब यहाँ पे भी आप खुद देखें।